क्या हाल है भैया। हम आपके किचन के लिए एक अपैरेटस लेकर के आए हैं जो कि है हैंड ब्लेंडर। आपके किचन की शोभा बढ़ा सकता है और चटनी आप मिनटों में बना सकते हो। सिर्फ चटनी नहीं, चॉपिंग की स्पीड और मिक्सिंग की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसको ऐसी ऐसी जगह पर ले जा करके आप मिक्स कर सकते हो जहाँ पर आपका हाथ डालने की हिम्मत ना हो। ये प्रोडक्ट आता है वंडर शेफ की तरफ से, इन्हीं का ब्लेंडर है। वैसे इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं पर ये जो प्रोडक्ट है ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। प्राइस के ऊपर भी अपने लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि भैया क्या चीजें हैं, कैसी क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो सबसे पहले बॉक्स को देखिए, यहाँ पर आपको सीधा सीधा लंबा लंबा एक हैंड ब्लेंडर नजर आता है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। चलिए पहले बॉक्स खोल लेते हैं वरना आप नाराज हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होता है सामने से है, एंड हमको ऊपर में रखे मिल जाते हैं कुछ अपैरेटस, कुछ टूल्स। एक्चुअली देखते हैं 1x1 क्या है। ये काली प्लास्टिक की है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं लग रही है लेकिन प्रेस हो पा रही है। दूसरा हमको मिल जाता है यहाँ हमारा हैंड मिक्सर, पन्नी के अंदर सील, एंड इसके ऊपर वायर भी लगी हुई है। एंड यहाँ पर दो अलग से किट मिल जाती हैं, एक मिल जाती है हमको मैनुअल, और ये ब्रांड जो है ये ब्रांड है हमारे इन वाले भाई साहब का जिनको हम सब लोग खाना खजाना से जानते हैं, संजीव कपूर साहब। तो अभी मैनुअल के अंदर यहाँ पर इसका पावर कंजम्पशन लिखा हुआ है, 250 वाट पे चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। एंड यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन से बटन्स हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। और ये मिल जाता है हमको एक गारंटी कार्ड जो कि है पूरे 2 साल की गारंटी के साथ में ये हमको डिवाइस मिलेगी, इनकेस अगर आप ऑफलाइन परचेस कर रहे हो तो। अभी बात करें टूल्स के बारे में, तो ये जो हमको सबसे पहला टूल मिलता है, फाड़ना पड़ेगा, सॉरी बेबी। तो भैया ये है वॉल माउंट, इसको हम दीवार के ऊपर ऐसे करके कहीं फिट कर देंगे ताकि हमारा ये जो डिवाइस है इसको हम आराम से ऐसे करके, मतलब कि इसकी भी फाड़नी पड़ेगी तो इसको भी फाड़ देते हैं। बिल्ड क्वालिटी के नाम पर ये चीज़ प्लास्टिक की लग रही है लेकिन हार्ड प्लास्टिक है। ये चीज़ हमको स्टेनलेस स्टील मिलती है और ये भी चीज़ जो है मेटालिक है पूरी तरीके से, मतलब जो मेन खर्चा है वो पूरा मेटालिक का मेन जगह पर किया गया, यानी कि फालतू की जगह पर शो वगैरह निकालें। तो हम बताए थे इस वॉल माउंट का क्या काम है, तो ऐसे करके ऐसे ले जा करके इसको ऐसे करके माउंट किया जा सकता है दीवार के ऊपर, क्योंकि किचन के अंदर इस्तेमाल करोगे ऑब्वियसली तो ऐसी डिवाइस जब कहीं पर माउंट होती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी जो टूल है इसको हम यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ में ये दो और टूल्स भी मिलते हैं, इनको भी दिखा लेते हैं भैया। एक तो ये है छोटा सा, जब हमको किसी को क्रश करना होता है, जैसे कि हम मान लो आलू को कुचना है, उसका भरता निकालना है फट 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 करके, तो ये उसके काम में आएगा। एंड ये चॉपिंग के काम में आता है, छोटे से ब्लेड है पर है मजबूत भाई। अभी टेस्ट भी करके देखेंगे ये किस तरीके से काटता है, बेटर देन योर एक्स। खैर इसको निकालने की टेक्निक सीख लेते हैं। ये जो यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर में, तो ये अंदर का रोटेटरी है पूरी तरीके से, यहाँ पर आपको थोड़ी सी खाँच नजर आएगी, तो इसको जब आप पकड़ के खींचोगे बाहर, इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक टूल हमारे पास आ गया है, तो अब हम यहाँ पर चाहें तो दूसरा टूल अपना फिट कर सकते हैं ऐसे करके, आराम से फिट हो गया। तो अभी ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहो तो भाई यहाँ पर ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको निकालना तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको ऐसे पकड़ के खींच लो बाहर, बात खत्म। अभी बात आती है कि भैया इसको चला करके दिखाओ कि कैसा चलता है, मेन बात तो यही है। तो भाई हमने सोचा कि इंस्टेंट क्या चीज़ बना सकते हैं, तो समझ में आया कि कोल्ड कॉफ़ी बनाई जा सकती है फटाफट से। तो हम 2 पाउच लेकर के आए कॉफ़ी के, इसमें चीनी डाली एंड अपना ब्लेंडर स्टार्ट किया। एक्चुअली हम भूल गए थे इसका ब्लेड चेंज करना, तो जो ब्लेड लगा था उसी से हमने इसको घुमा डाला, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा झाग मिला एंड काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बन करके तैयार हुई। वैसे अगर हाथ से चीज़ को ब्लेंड करने के लिए चलो तो फिर काफ़ी समय लग जाता है, धीरे धीरे झाग भी नहीं बन पाता अच्छी तरीके से, लेकिन इससे काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी बढ़िया झाग मिला। फिर क्या, बस मिनटों में हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई और सेकेंडों के अंदर हमने उसको ख़त्म कर दिया। वैसे दोस्त बिल्ड क्वालिटी के अंदर अगर ये चीज़ थोड़ी सी और मजबूत होती, जैसे कि ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ पर से हमको लग रहा है थोड़ा सा ढीला है, तो अगर ख़राब होगा तो हो सकता है यहाँ से ऐसे बहुत ही जल्दी खुल जाए, क्योंकि जब ये चलेगा तो ये नॉर्मल थोड़ी चलेगा भाई, ये वाइब्रेट भी करेगा ऐसे जगह के, तो उसके खुलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ब्रांड के लिए ये इंप्रूवमेंट हो सकता है भाई, इसको सुधार लो थोड़ा। बाकी यहाँ पर ये जो बटन मिल जाते हैं, ये जो सेंटर में रखोगे अगर ऐसे करके बीच में, तो ये डिवाइस बंद रहेगी। अगर इवन प्लग आपका इन भी है तब भी डिवाइस बंद रहेगी, चलेगी नहीं। ऊपर से ऐसे प्रेस करके रखोगे तब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो स्पीड होगी अच्छी खासी, लेकिन आपको नंबर 1 की स्पीड मिलेगी। एंड जब आप इसको नीचे के लिए पूरी तरीके से प्रेस कर दोगे तो ये ज़्यादा स्पीड में ऐसा काम करता है, मतलब रोटेट ही करता है मेन, इसका अंदर का जो ये चीज़ है ये रोटेट करती है। एंड इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंप्रेसर मिल जाता है कि इसको आप दबा पाओ। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो ये गैप भर जाएगा जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे लाइक दिस। अभी बहुत ही भरपूर तरीके से आपने डिवाइस का उपयोग देख लिया, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये डिवाइस आपको 999 में मिल जाएगी,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो अमेजोन की वेबसाइट से आराम से, कोई से धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। तो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। एंड इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल के रखेंगे, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेक कर सकते हो। बाकी आपको लगता है ऐसा कोई गैजेट है जो हमको अनबॉक्स करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन छोड़िएगा, हम जरूर चेक करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।